हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुंदन कुमार। वेलकम करता हूं दोस्तों आप सभी का इस प्लेसमेंट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ इवन एंड ओड डिजिट इन अ नंबर। तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में चेक करना है कितना ओड डिजिट है और कितना इवन डिजिट है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर इसमें क्या है, वन है। सबसे पहले वन वन एक क्या है, ओड डिजिट है। फाइव है, ओड डिजिट है। और सेवन ओड डिजिट है। टोटल वन टू और थ्री, थ्री ओड डिजिट आ गया। देखिए यहाँ पे थ्री ओड डिजिट हो गया। इवन हो गया टू सिक्स और एट, ये भी थ्री है, इसका आउटपुट थ्री। तो कहाँ यहाँ इस नंबर में कितना है, इवन डिजिट है थ्री और ओड डिजिट है थ्री। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे एक तो गर्ल्स है, बैठ के सोच रही है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इसको बताएंगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ओके, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर से सबसे लास्ट वाला जो है एट, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको यहाँ से निकालेंगे, इसको एक जगह पे लेकर आ जाएंगे यहाँ पे मोड के पास। अब यहाँ पे लेकर आ गए एट को। अब इसको चेक करेंगे कि ओड है या इवन है, ठीक। अब उससे पहले क्या करेंगे, इवन डिजिट जीरो ले लेंगे, ओड डिजिट जीरो ले लेंगे। अब यहाँ पे अगर ये ओड है या इवन है चेक करेंगे, ये क्या है इवन है, तो इवन डिजिट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। अगर क्या है ओड है तो ओड डिजिट को प्लस प्लस कर देंगे। फिर एट को एक्सट्रैक्ट करके हटा दिया, अब इसको हटा देंगे यहाँ से। अब सेवन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, अब सेवन को चेक करेंगे ओड है या इवन है, फिर से उसके अनुसार से कौन को प्लस प्लस कर लेंगे। फिर यहाँ पे सिक्स पे आएगा, फिर फाइव पे आएगा, फिर टू पे आएगा, फिर वन पे आएगा। इस तरह से सारा डिजिट हम लोग का क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, कौन सा ओड है कौन सा इवन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ओके, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम क्या दे दे, ओके, काउंट काउंट ऑफ डिजिट ओड और इवन, यही नाम दे देते हैं। ओके, सबसे पहले हम पे क्या करने हैं, मेन मेथड बनाना है और उसके बाद एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्कैनर सिस्टम रूटीन, उसके बाद यूजर को एक मैसेज आएगा, इंटर इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। एक वेरिएबल लेंगे n इक्वल टू एस सी एन स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। इससे क्या होगा कि n में वो जो भी वैल्यू डालेगा यूजर n के पास आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक ठो इनिशियलाइज करते हैं int, इंट काउंट इवन करते हैं, इवन इक्वल टू जीरो से ले लेंगे। फिर से क्या करेंगे, काउंट ओड लेते हैं एक ठो, इसको भी क्या कर देंगे जीरो दे देंगे। अभी क्या है, काउंट इवन जीरो है, काउंट ओड जीरो है। अब लूप लगाएंगे, व्हाइल जब तक एन का वैल्यू जीरो से बड़ा है तब तक क्या करना है, एक एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे वैल्यू को, मोड एक ठो ले लेते हैं, मोड में एक्सट्रैक्ट वैल्यू डालेंगे। एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, नंबर जो होगा उसको 10 से मोडलेस निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस नंबर का 10 से मोडलेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर 10 से। इसमें जैसे ही मोडलेस निकालेंगे तो मोडलेस क्या देता है, रिमाइंडर देता है। 10 से इसमें मोडलेस निकालेंगे तो इस पूरे में अगर 10 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 8 होगा। इस तरह से 8 हम लोग को बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे इफ मोड जो है, जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट किया है वो चेक करेंगे इवन या ओड है, इक्वल टू जीरो है। तो इस कंडीशन में क्या करना है हमको भाई, काउंट इवन, काउंट इवन को प्लस प्लस कर दो, एल्स काउंट ओड को प्लस प्लस कर दो। जस्ट सिंपल सा मेथड है। तब इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे।
नंबर ऑफ इवन डिजिट प्लस इवन डिजिट। चलो इवन डिजिट एक और कर देते हैं, नंबर ऑफ और डिजिट, इसमें क्या कर देंगे वो प्लस नहीं किए, प्लस काउंट ऑड कर देंगे। तो इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो रन हो रहा है, यहाँ पे बुल्ड हो रहा है। तो डालते हैं 132। अब इसमें 132 में दो ठो क्या है ओड है और एक ठो इवन है। इसको रन करते हैं तो ओके ओके ओके, यहाँ पे क्या हुआ, जितना बार वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उतना बार वैल्यू को फिर से हटाना भी रहेगा। जैसे कि 8 को एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से, फिर 8 को यहाँ से हटाना भी है तब 7 को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में लूप के बाद जो होगा लूप के अंदर ही n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे वैल्यू को हटाने के लिए। आप लोग पिछले वीडियो में देख लिए होंगे कैसे वैल्यू को यहाँ पे रिमूव करते हैं। तो चलिए अब डालते हैं 132 डालते हैं 132 ओके। तो हाँ नंबर ऑफ इवन 1 है, जैसे यहाँ पे 132 में 2 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है इवन है, और 12 क्या है ओड है, तो 2 ओड है। तो इस तरह से हम लोग और भी नंबर अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। चेक अब किसको कर ले किसको कर ले, इसको कर लेते हैं, रेंडमली कुछ भी डाल देते हैं। इसको एंटर करते हैं, इसमें देखते हैं 3 इवन है, 4 4 6 3 इवन है, उसके बाद हमारे 4 ठो क्या है ओड है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व किया है। आई होप दोस्तों आप लोग को ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्लेसमेंट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।